अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रुकमानवीद यूट्यूब चैनल। आज के फूड सेगमेंट में मैं आपको पोटैटो स्नैक्स बनाना सिखा रही हूँ, आलू की टिक्की। इसके लिए मैंने पोटैटोज़ को अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इनकी स्किन उतार के इन्हें मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 10-15 मिनट, तो ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। और इसमें हम कुछ स्पाइसीज ऐड करेंगे। पहले हम आलू को कद्दूकश कर लेते हैं। ये मैंने अच्छे से इन्हें कद्दूकश कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे तमाम स्पाइसेस को मिक्स करके। और इसमें हम लेमन निचोड़ देंगे। और इसमें ऐड करेंगे भरी कटी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को आपने भरी काट लेना है। बड़ी कटा हरा धनिया ऐड करेंगे। और इसमें हम एक छोटा प्याज बड़ी कट करके चॉप करके ऐड कर देंगे। प्याज का इस्तेमाल इसमें कम किया जाता है। और अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्सचर हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है और यूँ अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप टिक्की को कितना मोटा रखना चाहते हैं। इतना सा पेड़ा लें और इसको यूँ गोल करेंगे। ये इस तरह से हम वन बाय वन सारे कबाब रेडी कर लेंगे। इन्हें करते हैं एक साइड पे और इसको बाद में रेडी करेंगे। इस आलू की टिक्कियों को आप अंडे के साथ भी फ्राई कर सकते हैं और आप बेसन के साथ भी कर सकते हैं। मैं इनको बेसन के साथ फ्राई कर लूँगी। तो इसमें है मेरे पास 2 चम्मच बेसन, 1.5 चम्मच मैदा, 1/2 चम्मच। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर और 1 चुटकी नमक। इसे आपने ना तो बहुत पतला बनाना है और ना ही बहुत गहरा बनाना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इनमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। देखिए मैंने पानी थोड़ा सा ऐड किया था लेकिन अभी ये काफ़ी गहरी पेस्ट है, तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ये आपको इतना लिक्विड रखना है। चलो अब हम अपने कबाब को अच्छे से फ्राई करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम वन बाय वन पोटैटो कटलेट्स को इस बेसन के मिक्सचर में डिप करेंगे अच्छे से। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे, बस मीडियम रखेंगे। और आपने चम्मच को कबाब के साथ टच नहीं करना, अदरवाइज़ ही टूट जाते हैं। बस इस तरह से आप ऑयल को प्रेस करेंगे, मूवमेंट देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अब हम वन बाय वन इनकी साइड चेंज करेंगे। अभी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। फ्लेम को सबसे पहले लो करते हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कबाब सुनहरे ब्राउन है। इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।